chain rule. Students, chain rule. Students, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है वो समझा, हमने थोड़ा समझने की कोशिश भी करी, और जितने भी फॉर्मूले यूज होते थे होते हैं 11th की फिजिक्स में वो सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले सीखे, और प्रोडक्ट रूल ये सब भी सीखा है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे चेन रूल। तो स्टूडेंट्स क्या होता है चेन रूल, पहले तो ये जानना है, देखो समझे कहाँ इसका यूज़ है ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ ये एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपने y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो सीखा हुआ है ना स्टूडेंट, सीखा हुआ है। लेकिन अगर आप सामने ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसा आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स। सपोज आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर या 2x प्लस 3 आ जाए, तब कैसे करोगे। या और एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको y इज इक्वल टू ln x का डिफरेंशिएशन तो आता ही है, लेकिन अगर कोई पूछ ले y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, अब कैसे करोगे। तो स्टूडेंट्स बस इन्हीं को सीखना है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा इनको सीखना है स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कैसे करना है वो तरीके को जानना है, और बस इतना ही। हमें ना डेरिवेशन देखना है कि इस चेन रूल कैसे आया ये सब समझना नहीं, हमें सिर्फ चेन रूल अप्लाई करना सीखना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुने, 3-4 एग्जांपल मैं करूंगा, उसके बाद 5-6 एग्जांपल आप करेंगे गणेश स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये पहला साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ये होता तो आप जानते हैं डी वाई वाई डी एक्स कितना हो जाता है स्टूडेंट, कॉस एक्स, ये आप जानते हैं। लेकिन इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या तरीका है, चेन रूल। चेन रूल क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्या तरीका है, देखो पहले जब अपन यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, तो पहला फंक्शन कौन सा है, साइन। साइन का क्या होता है स्टूडेंट, कॉस। तो साइन को डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन का बन जाएगा कॉस, और जो ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में ही रहने दो। तो पहला स्टेप क्या है, जो लेफ्ट में आया सबसे पहले उसको करो डिफ्रेंशिएट, और जो ब्रैकेट में है उसको वैसे रहने दो। तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट में जो है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। तो क्या है ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर और इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर का तो हो जाता है 2x, और तो कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x। तो मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे हम 2x, मतलब फाइनली बन गया ये 2 टाइम्स 2x कॉस स्क्वायर, सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम सुधार लेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आएगा स्टूडेंट्स। सिंपल है, मतलब एक के बाद एक अंदर करना है। पहले हम जाएंगे साइन को, उसको डिफरेंशिएट करेंगे जो ब्रैकेट में वैसे रहने देंगे, फिर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो जो भी है इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा फाइनली। अब स्टूडेंट देखो ये साइन 2x प्लस 3 कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले क्या आ रहा है साइन, तो साइन का कर दो कॉस, जो आता है डिफरेंशिएशन कॉस, और जो ब्रैकेट में है उसको वैसा का वैसे ही रहने दो, तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट क्या आएगा 2x का हो जाएगा 2, और ये 3 का तो 0 हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन में लिख दो 2। तो फाइनली आंसर आया है 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 3। सिंपल स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ हम आगे अप्लाई करेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे है ln x, तो आप जानते हैं कि dy वाई बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है, 1/x, मतलब जो भी अंदर होता है ln के वो नीचे आ जाता है x। तो सिमिलरली जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो देखो स्टूडेंट क्या होगा,
डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ln के अंदर जो ब्रैकेट है वो नीचे आता है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 1 बाय ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो है उसको वैसे का वैसे रहने देंगे। क्या है ब्रैकेट के अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2x का हो जाएगा 2 डिफ्रेंशिएशन और 3 का 0, तो ये पूरा टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। तो फाइनली आंसर स्टूडेंट्स हुआ ये 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स है ना सिंपल, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको क्लियर होगा उससे। सपोज एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लेते हैं अपन, इसको की पावर 5 ही लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता तो आप शायद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते और फिर आपको इजी लगता। अब करो तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, एक बार मैं आपको बताता हूँ। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो आपने सॉल्व कर ही लिया इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, पर ये तो क्या है 2x प्लस 3 का की पावर 5। तो स्टूडेंट क्या तरीका है, ये समथिंग की पावर 5 है तो यही वाला फॉर्म लगाएंगे पहले, क्या हो जाएगा 5 सामने आएगा इनटू ब्रैकेट जो पहले दिख रहा है, पहले फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आता है 2x प्लस 3, इसको करेंगे बाद में डिफ्रेंशिएट। तो पहला फंक्शन ये हुआ ब्रैकेट, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, आप देखो क्या लिखेंगे हम 5 जो भी ब्रैकेट में है की पावर 5 माइनस 1, यही तो होता है ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको वैसे का वैसे रहने दो 2x प्लस 3 इंटू, अब जो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 2x प्लस 3 का हो जाता है 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आंसर जो आएगा देखो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 की पावर 4, ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। आई बात समझ स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको चार पांच एग्जांपल दे रहा हूँ, चार पांच क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें और उसके बाद मैं उसे जब सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके तो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है कुछ क्वेश्चंस, है ना, अब ये क्वेश्चंस क्या करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गलत करो लेकिन करो। अब गलत करोगे सोचोगे, जब आप गलत करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स चीज़ों को याद करने का तरीका सिंपल सा यही है, या कोई भी चीज़ आपको समझनी है तो उसको आप करो, मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स जब करते हैं जब हम अटकते हैं तब, और फिर जब हमें सोल्यूशन मिलता है तब ज़्यादा याद रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, हम अपने से बड़े के पीछे में से गाड़ी बड़े आते हैं और पूरा शहर घूम लेते हैं, है ना, पापा के पीछे बड़े आएंगे गाड़ी पर, हमने खूब घूमा है बचपन में, लेकिन हमको एक गली याद नहीं होती, एक रास्ता याद नहीं हो पाता। लेकिन हम अपनी साइकिल से अगर किसी गली में एक बार चले जाएं खुद से तो ज़िंदगी भर के लिए गली याद हो जाती है। तो ये फ़र्क है स्टूडेंट जब खुद से करना और सामने वाले को करते हुए देखना, तो खुद से करो स्टूडेंट, खुद से करो तभी होगा। ओके स्टूडेंट वीडियो पॉज करो। ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, अब आप देखें कि आपने गलती करी तो क्या करी। देखो ये है y इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस 5, तो क्या करना है, तरीका क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट करो, पहले जो फंक्शन आए उसको डिफरेंशिएट करो, जो ब्रैकेट में उसको वैसे के वैसे रहने दो, फिर ब्रैकेट में जाओ जो भी आता उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते जाओ। तो स्टूडेंट देखो ये है कॉस, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जब मैं लिखूंगा तो सबसे पहले आएगा माइनस साइन, और जो ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में ही रहने दो, तो क्या है ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 5, अभी हुआ नहीं है पूरा, अभी क्या करना है
जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x plus 5 का 3 इसमें आना चाहिए आपको इनटू 3। तो फाइनली आंसर जो मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, 3 साइड आ जाएगा 3 साइन ब्रैकेट में 3x plus 5 और बाहर माइनस। सिमिलरली इसको देखो करना है, ये क्या है 3 साइन। स्टूडेंट्स जब भी कॉन्स्टेंट सामने आता तो हम उसके बारे में नहीं सोचते, उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। जब मैं डी वाई बाई डी एस करना स्टार्ट करूँगा सबसे पहला स्टेप 3 को वैसे रहने दो। अब देखो कौन सा फंक्शन सामने है, साइन, साइन का पहले क्या होगा स्टूडेंट कॉस। अब कॉस के अंदर जो ब्रैकेट में है उसको वैसे रहने देंगे हम, यही सीखा है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना। अब ये हो गया, मैंने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जो ब्रैकेट में, उसको वैसे के वैसे रहने दिया। अब मैं ब्रैकेट के अंदर जो है इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करूंगा मैं और मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2x प्लस 2, इसको फाइनली अरेंज करके लिख दो, 2x प्लस 2 को सामने लेके आ जाओ, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स ये लिखा है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, अगर e की पावर x होता, e की पावर x, तो आप e की पावर x लिख देते, y इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, e की पावर x ही होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन e की पावर 4x है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है स्टूडेंट्स देखो इधर, ये लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर 4 है। तो पहले कौन सा फंक्शन आया है एक्स स्क्वायर का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना आपको आता है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन कभी कभार dy बाई dx को y डैश लिख देते हैं शॉर्ट में, तो ये 2x हो जाता आपको पता है। तो ये ब्रैकेट की पावर 4 है, डिफरेंशिएट करोगे तो 4 सामने आ जाएगा और ब्रैकेट की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब मैं इसको करूँगा आगे डिफरेंशिएट dy बाई dx, सबसे पहला काम ब्रैकेट के अंदर क्या है e की पावर x है, इसको वैसे कैसे से रहने दो, 4 सामने आएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा तो ब्रैकेट के अंदर e की पावर ऐसे, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो क्या हुआ फाइनली ये हुआ कि जो 4 है सामने आ गया, e की पावर ये पूरा का पूरा 4x ही रह जाएगा, e की पावर 3x बनेगा, e की पावर x बनेगा और 3x प्लस x 4x हो जाएगा वापस से। तो एक्चुअली कोफिशेंट जो है, ये कोफिशेंट सामने आ जा रहा है, कोफिशेंट सामने आ जा रहा है। जरा आप देखो जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ये कोफिशेंट सामने आ जा रहा है ना, जब ऐसे लीनियर फंक्शन होते हैं तो कोफिशिएंट सामने आ जाता है, ऐसे हमें ध्यान रख सकते हैं, बट हमें तो ये तरीका अपनाना है हमेशा। अच्छा देखो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये आप चाहें तो वीडियो भी पॉज कर सकते हैं फिर से कर सकते हैं, पर ये लिखा क्या है, मैं तो ये करने जा रहा हूँ सॉल्व। साइन स्क्वायर 2x, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, साइन एक्स की पावर होल स्क्वायर, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट यही है ये, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की पावर 4 होता है यहाँ पे तो 4x क्यूब रहता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही दिया है मैंने। अच्छा चलो इसको कठिन कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। क्या करेंगे पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स, ये पहला समझ में आया। फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, साइन का कॉस हो जाएगा ये, तो ये है इसका आंसर स्टूडेंट्स, आया समझ में कैसे कर रहा हूँ। अब ये लास्ट स्टूडेंट ये देखना, ये है इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर एक्स, अभी देखा ये क्या लिखा, कॉस एक्स का स्क्वायर, तो पहला क्या हो जाएगा ये 2 कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट है कॉस एक्स का स्क्वायर है ये होल स्क्वायर, तो 2 नीचे आया, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x हो जाता है, तो 2 कॉस एक्स। फिर कॉस का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन है एक्स, कई बार हम माइनस लगाना भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन पहले टर्म का, अब आता हूँ दूसरे टर्म पे स्टूडेंट, ये दूसरा टर्म, तो टेन है स्टूडेंट, टेन पहले क्या है टेन है, फिर अंदर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 लिखा है हम, तो पहले टेन का क्या होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, तो ये स्टूडेंट्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नहीं लिखूंगा मैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक गलती हो सकती है जो ब्रैकेट में है, सेक स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 3। अब जाऊंगा स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा 2, उसको मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म ln 2x प्लस 3, देखो स्टूडेंट ये है ln 2x, तो ln का क्या होता है 1 बाय x, पहले तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 3 इंटू, जो ब्रैकेट के अंदर गए तो क्या आएगा
टू आएगा स्टूडेंट्स, देखा कितना इजी है। अब फाइनली इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो ऐसा होगा माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितना आसान है चेन रूल लगाना, बस स्टूडेंट यही है चेन रूल, बस इतना ही है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब चेन रूल में सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।